19 अप्रैल को कोरोना पीड़ित मां को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे दिलीप कुमार सिंह। पुत्र राम सिंह निवासी रामपुर खुर्द थाना गुलहरिया से भर्ती के नाम पर रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को गुलहरिया पुलिस ने रिश्वत के 2000 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय प्रदीप चौहान पुत्र रामू चौहान निवासी जंगल छत्रधारी टोला मीरगंज थाना पिपराइज के रूप में हुई है। गौरतलब है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी प्रदीप चौहान तथा सिक्योरिटी गार्ड राहुल सिंह उर्फ गोलू सिंह द्वारा अस्पताल प्रशासन से सेटिंग कर भर्ती कराने के नाम पर पीड़ित से 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर पीड़ित से 2,000 रुपए एडवांस भी ले लिया गया व शेष पैसों की मांग भी की जाने लगी और पीड़िता को रिश्वत लेने के बाद भी भर्ती नहीं कराया गया, जिसके संबंध में पीड़ित दिलीप कुमार सिंह के लिखित तहरीर के आधार पर गुलहरिया पुलिस ने वार्ड बॉय प्रदीप चौहान पुत्र रामू चौहान निवासी जंगल छतधारी टोला मीरगंज थाना पिपराइज के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सीओ चौरी चौरा कुलदीप तिवारी ने बताया, 30 तारीख को एक सज्जन है दिलीप सिंह, अपनी दिलीप पुत्र राम सिंह, ये अपनी माँ को लेकर के आए थे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, इनकी माँ को चेकअप हो रहा था, तो वहाँ भर्ती कराने में क्या मामला है सर? राहुल जी, इन लोगों ने उनसे कहा कि आप 15,000 रुपये दे दें हमको, हम तुम्हारी माँ का एडमिशन करा देंगे उनके कॉलेज में, और एडवांस में 2,000 रुपये ले भी लिए उनसे। इसके बाद में एडमिशन नहीं हुआ उनकी माँ का, तब उन्होंने पुलिस में आकर के कंप्लेंट की कि हमसे पैसे भी ले लिए और हमारी माँ का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हो पाया। इस पर थाने पर मुकदमा लिखा गया, मुकदमा अपराध संख्या है ये 196/21 जी, धारा 419, 420, 406 IPC, और 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 56/58 आपदा प्रबंधन अधिनियम जी सर। इन दोनों सज्जन जो है ये दोनों अभियुक्त प्रदीप चौहान और राहुल सिंह के विरुद्ध कायम किया गया है। जी सर, इंस्पेक्टर गुलेरिया श्री मनोज कुमार पाठक के द्वारा अपनी टीम के साथ वार्ड बॉय प्रदीप चौहान को अरेस्ट करके 2,000 रुपये जमाने थे वो बरामद किए गए हैं जी, और एक अभियुक्त तलाश किए तो अभियुक्त है राहुल सिंह और गोलू सिंह, ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अच्छा सिक्योरिटी गार्ड है।